तो वार्डन से, वो वार्डन मेरे विधायक से बेतमीज से बात की। क्या क्या पूरा बोलने लगी, जाओ मोदी के पास जाना है, जिसके पास जाना है जाओ। अभी तक आप बोल रहे थे ना कि हम नहीं जाने देंगे, मोदी को कंप्लेन करिए, जहां करना है करिए। हाँ, वो आजादी मुझे पूर्ण आपसे नमस्कार। एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के लोकप्रिय युवा नेता और पूर्व विधायक अमित महतो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं समाज सेवा करने को लेकर। आज एक बार फिर से अमित महतो समाज सेवा को लेकर सुर्खियों में है। आपको बता दूं, अमित महतो हमारे साथ है बात करने के लिए। और जिस तरीके से अमित महतो ने एक अपने ही विधानसभा क्षेत्र की एक बच्ची को बंधक, जो कि बैंगलोर में बनी हुई थी, उन्हें छुड़ा करके वो रांची लेकर के आए हैं, और किस तरीके से ये करना पड़ा, ये कितना मुश्किल रहा? देखिए, विगत कुछ दिनों से हमारे पास में एक हमारी जो विधानसभा की बच्ची है दुरु कुमारी, जो कि हमारे सिल्ली थाना क्षेत्र में है और उसका गांव का नाम है मिसिरहोटा, तो ये बच्ची हमें लगातार फोन कर रही थी। हमको लगता है कि 5-6 तारीख से, और इसके जरिए हमको ये बताया गया कि हमारे साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता है, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है यहाँ की जो वार्डन है गुड़िया उसके द्वारा। और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं सिलाई सेंटर में जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। सुबह को हम लोग 7 बजे ड्यूटी में ले जाया जाता है, 8 बजे तकरीबन रात को घर में लाया जाता है, और बीच का जो ये समय, उसके बाद का जो समय होता है, उस समय में गुड़िया जो यहाँ की वार्डन है वो हमें प्रताड़ित करने का काम करती है। तो हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हम घर जाना चाहते हैं, कृपया अमित भैया हमको घर ले जाइए। तो हमसे हमने इनका नंबर जानना चाहा गुड़िया का, तो ये दूरो जो है, दूरो के द्वारा ही हमको नंबर प्राप्त हुआ गुड़िया का, जो कि वहाँ की वार्डन थी। और गुड़िया से जब हमने बात किया, हमने जब ये उनको बताया कि मैं पूर्व विधायक बोल रहा हूँ सिल्ली क्षेत्र से, और हमारी यहाँ की बच्ची जो दूरो नाम है वो आपके यहाँ पर रहकर काम नहीं करना चाहती है, आप उसे छोड़ दें, वो अपने घर वापस आ जाएगी, तो उनके द्वारा जो कहा गया तो ये तकलीफ दे था। जिस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, मैं आपको भी सेंड कर दूंगा इसकी जो हमारे पास जो है, दर्शकों को भी वो ऑडियो सुनाएंगे जिसमें वार्डन और जो पूर्व विधायक अमित महतो की बातचीत हुई है। काफी बदतमीजी से वो वार्डन बात करती हुई नजर आई। हेलो, हाँ गुड़िया जी, हाँ बोलिए। हम वही कह रहे थे ना कि उसको भेजिए, आने दीजिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज क्लियर नहीं। हेलो हेलो, हमारी बातें आपको सुनाई पड़ रही है ना? हाँ सुनाई पड़ रही है, बोलिए। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि उस बच्चे को आने के लिए छोड़ दीजिए, चली आएगी। हाँ वो पूरा पूरा विधायक को बता के आई है क्या? नहीं ना, ये कोई तरीका है विधायक को बता के आई है? नहीं ना बोल रही है। कंप्लेन करने के लिए आपका कौन सा तरीका है बताइए? ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप समझती हैं? समझते हैं, सब समझते हैं, छोटी बच्ची नहीं है। हाँ तो फिर आप समझिए, फिर इस बात को भी समझिए। हम समझेंगे, आप बताइए कितना झूठ बोल, जो कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, आईसीयू में है, जो कि उसका मर्ज हम कर रही है। नहीं नहीं, आप अंतिम आप हमको बता दीजिए कि उसको आने दिए है कि नहीं। भेज सकते हैं, जब तक 6 महीना नहीं होगा हम नहीं भेज सकते। कितना महीना? 6 महीना। 6 महीना तक क्या आप लोग उसको करार करवाए हैं? इसलिए हम लोग जबरदस्ती उसको कोई लेके नहीं आए हैं ना। अरे जबरदस्ती लेके नहीं आए अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती आप रख कैसे रही हैं? नहीं हम जबरदस्ती रख भी नहीं रहे हैं, वो बोल के आई, हम 1 साल रहेंगे उसके बाद जाएंगे। जबरदस्ती नहीं रख रही है तो अभी वो आना चाह रही है तो आने क्यों नहीं दे रही है? वो खुद बोली हम 6 महीना के बाद जाएंगे, 1 साल के बाद जाएंगे बोल के। आपको जब बोल रही है तो अभी कैसे फिर इधर हमको बोल रही है, फोन कर रही है बार बार? मुझे नहीं बोली है, कौन सी चीज़ का मेरे पास सामने प्रूफ करने बोली है उसको? नहीं बोली है उसको, आपको आप अभी उसको की पैसा
पैसा कब डिमांड किए? नहीं नहीं आप हैं अभी, आप हैं वहाँ पर है ना? हाँ आप वहीं पर है ना? हाँ क्यों, जहाँ पर वो बच्ची, जहाँ वो बच्ची है वहीं पर आप हैं? उसके सामने मैं क्या उसका नौकर हूँ जो उसके सामने रहेंगे? क्या बात करती है, यही तरीका है वो, बढ़िया से क्यों नहीं बात कर रही हैं? क्या तरीका है बताइए आप मेरा? अरे हम कह रहे हैं अगर वहीं पर, अगर वहीं पर आप होती तो वो लड़की आपको जाके भेंट करती। हाँ कहाँ पर है तब हम तो यहीं पर है। तो यही चीज आप बोलिए, नहीं नौकर है ये सब क्या मतलब है, कोई मायने रखता है इस तरीके से बात कर रही हैं? देखिए आप बड़े हैं ठीक है, अब कौन विधायक है कुछ भी हम नहीं जानते हैं, आप तो बात करने का तो तरीका नहीं है। कोई भी हो रहे कि डायरेक्ट कंप्लेन, क्या प्रूफ है मेरे बारे में कि उसको आप छुट्टी दे रहे? हम कहाँ के वो कहाँ के, मेरा नंबर कोई भी दे देगा? आप छुट्टी सुनिए सुनिए सुनिए, अगर बोलेंगे कि वो मुझे ऑर्डर कर रहा है तो बोल रहे हैं नहीं छोड़ेंगे, बोल आप खुद अभी बोल रही हैं ना कि हम नहीं छोड़ेंगे? किसको छोड़ेंगे, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, दूरों नाम से यहाँ कोई नहीं है, खत्म। चले ठीक है कोई बात नहीं, ठीक बढ़िया, जाइए जितना बड़ा कंप्लेन करने कर लीजिए, मतलब कंप्लेन हम करेंगे आप यही आप कहना, यही कहना चाह रही है, लेकिन आप छोड़िए या नहीं? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप बच्ची को नहीं छोड़िएगा ना? नहीं छोड़ेंगे, जब छेड़ना नहीं वो नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप जबरदस्ती उसको काम भी करवाइएगा? नहीं नहीं तो मतलब आप जबरदस्ती करवा रही है ना? कौन लड़की के बारे में यहाँ पर? दूरो दूरो नहीं है, किस बारे में बात करें? यहाँ पर कोई दूरो नाम से लड़की नहीं है। दूरो कुमारी हमारी सिल्ली विधानसभा की मिसिर होटा की लड़की है। कहाँ गई है आप लोग तो जानिएगा, घर से कहाँ भेजे है, कौन सा कंपनी में? आप सहना का बात करें, सहना में वो नहीं है। आप जान रही है ना वो लड़की को? नहीं जानते। सुनिए 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 बता रहे हैं, अभी अभी जानते अभी आप बोल रही हैं उतना देर से कि हम उसके पिताजी से बात किए, उसकी माँ से बात किए, भाई से बात किए। हम फोन में कॉन्फ्रेंस में बात किए थे, उसकी फ्रेंड बनाई थी, अभी हम नहीं जानते, एक कंपनी नहीं है वो, दूसरा कंपनी में थी उसका जानते थे। तब आप कैसे कह रही हैं कि हम उसको नहीं जाने देंगे? दुर्गा कुमारी दो जन है विधानसभा का, कोई लड़की है ये नहीं है तो? चलिए ठीक है, मतलब आप सोच लिए हैं कि हम इसको नहीं जाने देंगे, यही ना? यहाँ पर है नहीं तो किसको अंदाजी जाने देंगे बताइए? अभी तक आप बोल रहे थे ना कि हम नहीं जाने देंगे, मोदी को कंप्लेन करिए, जहाँ करना है करिए। आपसे आपसे अभी आप यदि कहेंगे तो अभी हम उस लड़की को आपके पास भेज देंगे, वो जाएगी भेंट करेगी आपसे। हाँ भेज दीजिए। भेज देते हैं, आप उसको छोड़ दीजिएगा कल को सुबह को? काहे के लिए छोड़ेंगे, हम यहाँ पर है तब छोड़ेंगे। अरे लड़की बोल रही है बार बार गुड़िया जी हमको रखी हुई है, यही बोलती है। हाँ तो हर कंपनी में गुड़िया नाम से होगा ना? उतना देर से तो आप भी बोल रहे हैं कि हम जानते हैं वो लड़की झूठ बोलती है, आप उस समय से तो बोल रही थी। दो का दूरो है, एक हजारीबाग की है। हाँ तो दो दूरो आप अभी समझ गई ना, एक हजारीबाग की और एक सिल्ली की है? नहीं है सिल्ली की, एक हजारीबाग की है, एक चाईबासा की है। अब और किसका दूरो है नहीं पता मुझे। आप एक नंबर हम आपको दे दे रहे हैं, आप उस नंबर से बात कर लीजिएगा तो दूरो समझ में आ जाएगा। लीजिए लीजिए 78 उसी का नंबर है, हम दे रहे हैं आपको 7857 लिख लीजिए। हाँ नहीं आप नंबर लिख लीजिए, बात कर लीजिए और छोड़ दीजिए उसको, हम यही बोल रहे हैं। वो लड़की हमको फोन करती है, रोती है, बोलती है हम यहाँ काम नहीं कर सकते हैं, हमको यहाँ जबरदस्ती हमको रखा जा रहा है, हमको काम करने का मन नहीं है। ठीक है वो उसका कौन लगते हैं? कौन लगते हैं नहीं, हम यहाँ के पूर्व विधायक हुए, समझिए एमएलए आप समझती है ना, एक से एमएलए हुए पूर्व विधायक। हाँ 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 अमित नाम हुआ मेरा, ठीक है अमित महतो। हाँ हमको क्या करना है बोलिए, उसके बारे उसको बोल दीजिए कि वो घर आना चाहती है, तुम जा सकती हो, बोल दीजिए चली जाएगी, चली आएगी। तो ये ना सिर्फ ये एक दोरो की कहानी होगी बल्कि ऐसी कई बच्चियों को वो टारगेट करके बंधक बनाकर उसे दूसरे कई शहर जी 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 बिल्कुल। तो फिर हमने इस बात की सूचना जो है हमें लगता है 9 तारीख को
9 तारीख को हमने रांची उपायुक्त को देने का काम किया और उसको भी हमने ये जो वीडियो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग था उसे हमने सुनाया। तो यहाँ के उपायुक्त के द्वारा हमको ये आश्वस्त किया गया कि हम उसको जरूर रेस्क्यू करके ले लाएंगे। उसके बाद में कल हमको जानकारी दी गई, कल नहीं परसों, डीसी के द्वारा कि दूरो आ रही है और उसको टिकट की व्यवस्था कर दी गई है, ट्रेन में चढ़ा दिया गया है, वो आज आ जाएगी। आज सुबह को दूरो हमारे सामने है और वो आ चुकी है, हम इसको घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये एक दूरो की कहानी नहीं है, इससे पहले भी हमने बहुतों बार बच्चियों को लाने, ये इकलौती दूरो नहीं होगी, ऐसी कई लड़कियां होंगी जो कि अभी बंधक बनी होगी तो किन्हीं का रेस्क्यू नहीं हो पा रहा होगा। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितनी लड़कियों को लाने का प्रयास किया गया? आज से पहले हमको लगता है 5-6 लड़कियों को मेरे द्वारा लाया गया है। एक बार तो मैं स्वतः मैं गया था बेंगलुरु और वहां से हम और एक लड़का गए थे जो कि वहां से हम उस बच्ची को लेकर आए थे। तो ये काफ़ी तकलीफ देह है हमारे यहाँ की बच्चियों का बाहर जाना और वहां पर उनका शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण किया जाना, ये बहुत तकलीफ देह है। हम इसलिए हमेशा ही चाहते हैं कि यहाँ की बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े। झारखंड इसी के कारण बदनाम भी है सर जी, कहीं ना कहीं दूरों की कहानी ऐसी कई लड़कियां तकलीफ दे है। और चूंकि हमारे यहाँ तो हर चीज से परिपूर्ण हमारा ये स्टेट है और हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के बच्चों को यहीं पर नौकरी मिले ताकि उन्हें पलायन का शिकार ना होना पड़े, बाहर नहीं जाना पड़े। राज्य सरकार गंभीर है सर इस मामले को लेकर, क्या लगता है? राज्य सरकार तो अभी तक गंभीर नहीं हुई है इन 24 वर्षों में, देखते हैं आगे यदि गंभीर हो जाए तो। हम तो आगे यही आग्रह करेंगे यहाँ के वर्तमान सरकार को, चंपई जी को भी, कि यहाँ के लोगों के लिए यहीं पर व्यवस्था करें ताकि वो अपना जीवन निर्वाह बेहतर तरीके से कर सके, यहीं गुजर बसर कर सके, यहीं पर उसको रोजी रोटी कमाने का अवसर प्राप्त हो। अब क्योंकि एक संयोग था कि हम लोग मिले हैं तो थोड़ा लोकसभा चुनाव पर भी बात कर लेते हैं, क्या स्थिति देख पा रहे हैं इस बार? क्या इस बार मोदी की गारंटी काम करेगी या फिर इंडिया की गारंटी काम करेगी? अब खैर आने वाले दिनों में काफ़ी दिन नहीं बचे हुए हैं और चुनावों का सिलसिला तो शुरू हो चुका है और विगत हमको लगता है कि 1.5 महीने के बाद में ये सारा खुलासा हो जाएगा। जनता किसे चाह रही है, किसे नकार रही है, हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। अभी जनता के बीच रहते हैं क्या जी? बिल्कुल, चूँकि जनप्रतिनिधि रहे हम भी प्रियता बनी हुई है जी बिल्कुल। तो चूँकि हम इस बार चुनावी दंगल में कूदे नहीं हैं और हम तो यही लोगों को अपील करते हैं कि अपने विवेक से मत का प्रयोग करें, मतदान करें ताकि आने वाले दिनों में बेहतर प्रतिनिधि आपको मिल सके। तो हम यही चाहते हैं, अब देखते हैं हम भी कि आखिर किनकी सरकार बनती है, कैसी बनती है। 4 जून का इंतजार अमित महतो को भी है और हमें भी है, हालांकि हमारे साथ दूरों भी, इनसे भी जानते हैं। इन्हें बेंगलुरु में बंधक बनाकर रखा गया था और अमित महतो की पहल से ये रांची अपने घर वापस आई है, तमिलनाडु के त्रिपुर में। हाँ, त्रिपुर में। कितने दिन पहले ले गया गया था आपको? ये चौथा जा रहा था। चौथा महीना? हाँ, चौथे महीने, मतलब 4 महीने से आप वहीं पर थे, क्या बोलकर ले गया आपको? सिलाई वहाँ पे होती है ना, सिलाई करना है। तो आपको अमित महतो जी का नंबर कैसे मिला? वो मेरा नंबर, वो विधायक है ना, मेरे पहले से ही था। हाँ, आपके पास था? हाँ। तो आप क्या बात की, क्या बोली? हमको यहाँ पे छुट्टी नहीं मिल रही है, तो विधायक बोले कि कैसे नहीं मिलेगी, फिर बोले कि वार्डन का नंबर दो, फिर हम वार्डन का नंबर दे दिए, तो वार्डन से, वो वार्डन मेरे विधायक से बेतमीज से बात की, क्या क्या पूरा बोलने लगी, जाओ मोदी के पास जाना है, जिसके पास जाना है जाओ, जाइए कर लीजिए। वो सब लड़की के साथ ऐसे ही करती है? सब लड़की के साथ हम नहीं जानेंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा की। इसका भी आपको बुरा लगा कि आपके जो विधायक रहे उनके साथ बदतमीजी?